ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। लॉकडाउन का संदेश देने पहुंची पुलिस पर लोगों ने बरसाए फूल, तालियों से किया स्वागत। देश में हर रोज कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जिसने बता दिया कि अभी भी लोग पुलिस प्रशासन और सरकार पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। दरअसल सोमवार को मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में पुलिस लोगों को लॉकडाउन का पालन करने का संदेश दे रही थी। पुलिस जब नगर बाजार से गुजर रही थी तो बालकनी में खड़े लोग ताली बजाकर उनका स्वागत कर रहे थे और उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। बाजार से गुजर रहे पुलिस कर्मियों की आरती भी की गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में लॉकडाउन के दौरान बाजार से गुजर रहे खिलचीपुर SDOP निशा रेड्डी, थाना प्रभारी वीरेंद्र ठाकर, SDM प्रकाश कस्बे सहित पुलिस बल पर नगर के लोगों ने बालकनी में खड़े होकर ऊपर से फूलों की वर्षा की, ताली बजाकर स्वागत किया। साथ ही कुछ नगर की बालिकाओं ने उनकी आरती उतारी। खिलचीपुर लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। कोरोना वायरस पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए राजस्थान सीमा से लगे मध्य प्रदेश के खिलचीपुर तहसील क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोई व्यक्ति घरों से बाहर नहीं जा सकता। इस क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। 24 घंटे जनता की सेवा में लगे हुए पुलिस कर्मियों का क्षेत्र के लोगों ने छतों से फूल वर्षा कर तालियों से किया स्वागत। लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मी अपने परिवार से दूर रहकर जनता के लिए 24 घंटे सेवा में लगे हुए हैं। क्षेत्र के लोगों ने छतों से फूलों की वर्षा कर एवं आरती कर पुलिसकर्मियों का स्वागत किया। टाइम न्यूज 24 के लिए सुरेश प्रजापति की खास रिपोर्ट।